वेलकम स्टूडेंट्स इंग्लिश सुपरस्टार माय चैनल। टुडे आई विल टीच यू टेंस। ओके, टेंस आखिरकार होता है क्या? बहुत स्टूडेंट के मन में डाउट रहते हैं आखिरकार टेंस होते क्या। टेंस किसी भी कार्य या अवस्था को दर्शाने के लिए टेंस का यूज करते हैं। टेंस मींस होता है क्या? काल या समय। टेंस मींस क्या होता है? काल या समय। कंप्लीट वॉच करना माय वीडियो तुम्हारे सारे। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? पहला कौन सा होगा हमारा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरा हो गया हमारा पास्ट टेंस। पहला क्या हमारा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या? पास्ट टेंस। एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जो चल रहा है काम, जो हो रहा है कंटीन्यूअसली लगातार चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस होगा। बीता हुआ होगा, मैं खाता था, जब बीत चुका है वो काम, वो पास्ट हो गया हमारा। भूतकाल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? भूतकाल। और भविष्य इसको कहते हैं, ठीक है, भविष्य काल। तो समझ में आ गया? टेंस, जैसे ये फादर है, उसके तीन बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसी के तीन टाइप्स हो गए। और फिर इसके भी चार काइंड्स होते हैं, इसके भी चार काइंड्स होते हैं, इसके भी चार काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट के भी चार काइंड्स होते हैं, पास्ट के भी चार काइंड होते हैं, फ्यूचर के भी चार काइंड होते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। नाउ स्टूडेंट्स, इससे पहले बताया था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इसलिए काइंड्स है, ठीक है। प्रेजेंट की चार काइंड्स है, पास्ट के भी चार काइंड्स है, ऐसे फ्यूचर के चार काइंड है। तो पहला कौन सा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। थर्ड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चार हो गए हमारे किसके? प्रेजेंट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चार काइंड हो गए प्रेजेंट के, वर्तमान काल के। एंड ऐसे ही सेम टू पास्ट के हो गए हमारे फोर काइंड्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे कि तुम्हें ये याद हो जाए, ठीक है। फ्यूचर टेंस कब वो सिंपल है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, C-O-N-T-I-N-U-O-U-S, continuous, future perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect continuous। तो सिंपल ट्रिक क्या है इसकी याद करने की? बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। टोटल टेंस हमारे कितने? चार, चार आठ, चार बारह। तो टोटल टेंस हो गए हमारे बारह। कोई पूछे कितने टेंस होते हैं, तो ट्वेल्व टेंस होते हैं, ठीक है। कितने टेंस होते हैं? ट्वेल्व टेंस। सिंपल ट्रिक क्या है? देखो, प्रेजेंट का होगा फर्स्ट, आपको ये याद रखना है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, दे कैन इजीली लर्न। प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का था फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वो ये सिंपल हमारे 12 टेंस इस वीडियो में बता दिए। एक एक करके सारी टेंस मैं तुम्हें बताऊंगा। कंप्लीट वॉच करना माय वीडियोस एंड देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड टेंसेस। लाइक सब्सक्राइब फॉलो मोर एंड मोर स्टूडेंट विल एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।